महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में शुक्रवार को एक मालगाड़ी की चपेट में आने के बाद 16 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई। जालना से भुसावल की ओर पैदल जा रहे मजदूर मध्य प्रदेश लौट रहे थे। वे रेल की पटरियों के किनारे चल रहे थे और थकान के कारण पटरियों पर ही सो गए थे। ट्रेन सुबह 5:15 बजे उन्हें कुचलकर चली गई। 5 मई को इन सभी मजदूरों ने जालना से अपना सफर शुरू किया। पहले ये सभी सड़क के रास्ते मध्य प्रदेश जा रहे थे, लेकिन औरंगाबाद के पास पहुंचने के बाद उन्होंने रेलवे ट्रैक के करीब चलना शुरू कर दिया। करीब 36 किलोमीटर पैदल चलने के बाद जब सभी मजदूर थक गए तो ट्रैक पर ही आराम के लिए लेट गए और उसी पर सो गए। इनमें से 16 लोग ट्रैक पर सोए थे, बाकी कुछ लोग थोड़ी दूरी पर सो गए। रात को सोने के बाद ये मजदूर सोते ही रह गए और सुबह का सूरज नहीं देख पाए। जिस रोटी की तलाश में ये मजदूर घर से निकले थे वो उनके बेजान शरीर के पास बिखरी पड़ी थी। अब खामोश पटरियों पर मौत का सन्नाटा पसरा हुआ है। रात को सोने से पहले उनमें से किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि वो अगली सुबह नहीं देख पाएंगे। घर की तरफ पैदल जा रहे इन लोगों ने कभी नहीं सोचा होगा कि उनका ये सफर कभी पूरा नहीं हो पाएगा। पटरी के पास का सुबह का मंजर भी भयावह था। पटरी पर मजदूरों की लाशें पड़ी थी, पटरी पर ही इन लोगों का सामान और रोटियां बिखरी थी जो ये लोग सफर के दौरान खाने के लिए लाए थे। औरंगाबाद से ट्रेन मिलने की उम्मीद में जालना से औरंगाबाद जा रहे थे। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।